गाइज, अगर आप भी अपने ब्रांड, बिजनेस या फिर YouTube के लिए प्रोफेशनल 3D लोगो बनाने की सोच रहे हैं बट कंफ्यूज है कि कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्रांड, बिजनेस या फिर YouTube के लिए 3D लोगो बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन की मदद से। सो गाइज, लोगो बनाने के लिए यहाँ पे हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पे हम एक ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं अपने लोगो को बनाने के लिए। सो जो एलिमेंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको अपनी गैलरी से, जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको भी ऐड कर लेना है। अपनी गैलरी से इस डिजाइन एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। देन आपको इसे थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेना है। कुछ इस तरीके से छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसके बाद गाइज, आपको यहाँ न्यू टेक्स्ट का बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे इस पर आपको डबल टैप करना है। फिर आप जिस भी नेम से लोगो बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे कि आज जो मैंने लोगो बनाया है वो अपने चैनल के नेम से बनाया है, सो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी 489। देन आपको यहाँ डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, जो हमने नेम ऐड किया, इसके फॉन्ट को चेंज करना है। सो फॉन्ट को चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ कोने में ए वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको ए बी फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। सो जैसे आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट दिख जाएंगे। सो जो आज हम फॉन्ट यूज किए हैं, इसका नाम है मीम फॉन्ट, जो कि आपको इसी फॉन्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, कुछ इस तरीके से फॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा नेम को बड़ा कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो हमने नेम ऐड किया है, इनके लेटर्स के बीच में जो है वो काफी क्लोज है, स्पेस नहीं है। सो यहाँ पे हमें एक स्पेस क्रिएट करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको इसी ए वाले सेक्शन में नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पेसिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आपको यहां से 3 कर लेना है स्पेसिंग को। फिर आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, यहां पे हमें इसके कलर को ब्लैक करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको इसी ए वाले सेक्शन में ऊपर आना है और यहां पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहां से ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहां राइट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइज, यहां पे हम एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो दूसरे टेक्स्ट में आप कोई अपने ब्रांड, बिजनेस का स्लोगन, टैगलाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं या फिर अपने चैनल का URL वगैरह, जो भी चाहे सेकंड लाइंस में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने सेकंड लाइंस में अपने चैनल का URL ऐड किया है। सो इसके लिए फिर आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स ऐड हो जाएगा। सो इस पे आपको डबल टैप करके यहाँ से आप कोई भी जो दूसरा टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं वो ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से अपने चैनल का URL ऐड कर लेता हूँ, youtube.com/ मेरे चैनल का जो नेम है technology489, वो मैं ऐड कर लेता हूँ technology489। सो ये मेरे चैनल का URL है। देन यहाँ डन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहाँ पे URL ऐड करने के बाद या फिर अपना जो भी सेकंड टेक्स्ट होगा वो ऐड करने के बाद, यहाँ से मैं इसे सिंगल लाइन में कर लेता हूँ। देन यहाँ से इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करके आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैं नेम ऐड किया हूँ, इसका फॉन्ट जो है काफ़ी पतला है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ से हमें बोल्ड करना है इस फॉन्ट को। सो यहाँ ए वाले सेक्शन में आपको ऊपर आना है, नीचे, और यहाँ पे बी स्टाइल करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको बी पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, जैसे ही आप बी पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, आपको इसे सही तरीके से जो आपका चैनल नेम है उसके जस्ट नीचे प्लेस कर देना है, लाइक दिस। देन हमें इसके कलर को भी ब्लैक करना है। सो कलर चेंज करने का सेम प्रोसेस है, इसी ए वाले सेक्शन में आपको ऊपर यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर ले लेना है। हम इन दोनों का जो कलर है वो ब्लैक इसलिए किए क्योंकि हम इसके ऊपर सिल्वर टेक्स्चर ऐड करने वाले हैं। सो ब्लैक कलर के करने के बाद जब हम टेक्स्चर ऐड करेंगे तो वो सही से इसके ऊपर सेट होगा। सो दोनों का कलर ब्लैक करने के बाद आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो हमने अपने चैनल का नेम और URL दोनों अलग अलग ऐड किया, ये दोनों अलग अलग है तो आपस में इनको एक साथ कंबाइन कर लेना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको जो आपका चैनल का नेम है और ये जो सेकंड लाइन में आप जो URL या फिर जो कुछ भी ऐड किया है उसको चेक मार्क करने के बाद सिंपली आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं। सो आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करके लाना है और इस डिजाइन एलिमेंट्स के कुछ इस तरीके से पास में प्लेस कर देना है, लाइक दिस। सो प्लेस करने के बाद अब हमें इसके टेक्सचर को सिल्वर करना है। जैसा कि मैंने आज जो लोगो बनाया है उसमें आपने देखा होगा, जो मैंने नेम ऐड किया है वो सिल्वर टेक्सचर में है। सो सिल्वर टेक्सचर में करने के लिए सिंपली आपको यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ आपको इमेज पे क्लिक करना है।
अब जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। सो यहाँ पे जो मैं टेक्सचर यूज किया हूँ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये सिल्वर टेक्सचर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे ही आपको सेलेक्ट करके यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से मेंटेन रेशियो को इनेबल कर देना है। सो गाइस जैसे ही इनेबल करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिल्वर टेक्सचर जो होगा आपके टेक्स्ट पे सेट हो जाएगा, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। वेल गाइस जितना करने के बाद जो हमने डिजाइन एलिमेंट ऐड किया है अपने चैनल नेम के साथ, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है, ये दोनों अलग अलग है। सो सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क करके यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब गाइस हमें इसके अंदर कुछ 3D इफेक्ट ऐड करने हैं। सो इसके लिए सिंपली आपको इसी हेक्सागोनल सेक्शन में नीचे आना है और यहाँ पे आपको 3D शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। सो गाइस जैसे ही आप 3D शेप्स इनेबल करेंगे आपके लोगों के अंदर 3D इफेक्ट ऐड हो जाएगा। बट जो लोग नया एंड्रॉइड वर्जन यूज कर रहे होंगे एंड्रॉइड 10 और 11, उनके अंदर हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, उनका 3D इफेक्ट जो होगा वो कट उठ जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, सही से सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 10 और 11 एंड्रॉइड वर्जन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। एक और सेटिंग है इम्बोज सेटिंग करते वक्त भी फट जाता है लोगों। सो इसका क्या सॉल्यूशन है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं और वो वीडियो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैं यहां पे इसको देखिए हिलाता हूं तो मेरे में भी कट जा रहा है, ये जो 3D इफेक्ट है वो आप देख रहे हैं सही से ये नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो में है, आप जाके देख लेना। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ लोगों को बनाना कैसे है। सो यहाँ से मैं इसको सही कर लेता हूँ फिलहाल। सो 3D इफेक्ट इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको इसकी डेप्थ को कम करके 2 कर लेना है। सो कुछ इस तरीके से 2 करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और गाइस यहाँ पे हमें इम्बोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ सही से इनेबल कर देना है। सो गाइस 3D शेप और इम्बोज की सेटिंग में ही ये प्रॉब्लम आएगी जो मैंने बताया फट जाने वाला। सो जाके वो आप वीडियो देख लेना, उसमें मैं सॉल्यूशन बताया हूँ। सो जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे कुछ इस तरीके का इफेक्ट ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स है, कुछ पैरामीटर्स है नीचे आपको इसको सेट करना होगा, जैसे बेवल को यहाँ से कम करके अराउंड 3 कर लेना है, 3-4 कर सकते हैं आप। सो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 3-4। इसके बाद आपको यहाँ से स्पेक्युलर हार्डनेस को बढ़ा के अराउंड 48 तक कर लेना है, 45-48 चलेगा, ठीक है। देन आपको यहाँ से एम्बियंट लाइट को भी थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ आपको ऊपर आना है, सॉरी यहाँ पे आपको लाइट एंगल मिलेगा, इसको आपको एडजस्ट करना है। जैसे कि जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप मेरे लोगों को देख सकते हो, उसके अंदर अलग सा रिफ्लेक्शन बन रहा है। सो आपको अपने लोगों के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लाइट एंगल सेट कर लेना है, इससे आपका जो लोगों का उस पर एक अलग सा रिफ्लेक्शन बनेगा लाइट का, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमें शैडो क्रिएट करना है। सो शैडो क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको इसी हेक्सागोनल सेक्शन में यहाँ शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब जैसे आप इनेबल करेंगे आप देख सकते हैं लोगों के जस्ट पीछे एक शैडो क्रिएट हो गया है जो कि हमारे लोगों को काफ़ी 3D लुक दे रहा है। यहाँ से आप चाहें तो जो शैडो है आप उसे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ से एक्स डायरेक्शन को बढ़ा लेना है, यहाँ से मैं 3 कर लेता हूँ और वाई डायरेक्शन को भी 3 कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 4-4 कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से करने के बाद आपका जो होगा लोगो वो काफ़ी 3D लगने लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस इतना करने के बाद हमारा जो लोगो है आप देख सकते हैं बन चुका है, बस अब हमें यहाँ से इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। सो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना है हेक्सागोनल सेक्शन के जस्ट बगल में, फिर आपको यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे आप डिवाइस की गैलरी में आ जाएंगे। सो यहाँ से हम एक बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं। सो जो बैकग्राउंड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन जो भी एलिमेंट्स मैं यूज करता हूँ किसी भी ट्यूटोरियल के लिए, किसी भी लोगो बनाने के लिए या फिर इंट्रो बनाने के लिए, सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहता है। सो आप एक बार जाके जरूर चेक करना। सो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं उस बैकग्राउंड को। वेल अपनी गैलरी से इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। सो गाइस बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अब हमें अपने लोगों को रीसाइज करना है, यानी कि लोगों का एक अपना स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टा कहीं पे भी आप लगाना चाहते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। सो इस लोगों को भी हमें उस साइज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ 3-dot का एक लाइन मिलेगा कोने में, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ प्रीसेट में कस्टम मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने लोगो को ड्रैग करके यहाँ बीचों बीच सही से सेट कर लेना है, अगर बड़ा है तो छोटा करके यहाँ पे सेट कर लेना है। सो गाइस कुछ इस तरीके से बीचों बीच प्लेस करने के बाद अब हमें इस लोगो को सेव कर लेना है। सो गाइस लोगो को सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने ब्रांड बिजनेस या फिर यूट्यूब के लिए कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, चाहे लोगो, इंट्रो, आउट्रो, बैनर या फिर कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले से मिल जाएगा, साथ में पूरा जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लोगो को सेव करने के लिए
सिंपली आपको यहाँ ऊपर सेव पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ डायमेंशन में कस्टम मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अल्ट्रा सेलेक्ट कर लें, देन आपको यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस, होप कि अब आप भी अपने ब्रांड बिजनेस या फिर यूट्यूब के लिए कुछ इस तरीके का प्रोफेशनल इंट्रो बनाना सीख गए हो। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइस, मैंने दूसरा चैनल भी अपना ओपन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहां पे भी मैं जो है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज अपलोड करता हूँ। सो गाइस, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।